चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि गुजरात से मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रोड शो किया है, उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रोड शो किया है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है। नामांकन के वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ में रहे और बता दें कि शाह की उपस्थिति में दाखिल करवाया गया है नामांकन और घाट लोडिया सीट से उन्होंने अपना नामांकन भरा है, यानी कि इसी सीट से मुख्यमंत्री जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोड शो किया है। रोड शो के दौरान हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक उनकी रैली में मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से स्क्रीन पर है, आपके देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में आज इस रोड शो यानी कि रैली में शामिल हुए हैं और इस रैली का जो नेतृत्व है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, रोड शो किया है और इसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दरमियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर ये गुजरात से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। हजारों की तादाद में उन्होंने रोड शो भी किया है और हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उनकी रैली में मौजूद रहे। रोड शो का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उनके साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे और इसके बाद उन्होंने रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर है आपकी, किस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री और सूबे के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, दोनों की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया है उन्होंने और बता दें कि घाट लोडिया सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, यानी कि इसी सीट से भूपेंद्र पटेल जो है चुनाव लड़ने वाले हैं।